ये बैठे लोड हो गए जी, ये जा रहे हैं पिंडी, अभी निकल रहे हैं, रात को ये पहुंचेंगे इंशाल्लाह। डेरा दांदा ने शुकीना तक का यहाँ का आखिरी व्लॉग है, टाइटल आपने देखा होगा, थंबनेल देखा होगा। अस्सलाम वालेकुम, दांदा ने शुकीन यूट्यूब चैनल देखने वाले सब भाइयों को सलाम, उम्मीद है सब खैरत से होंगे। आज का व्लॉग डेरा दांदा ने शुकीना तक का यहाँ का आखिरी व्लॉग है, टाइटल आपने देखा होगा, थंबनेल देखा होगा। डेरा देख सकते हैं खाली हो गया, मैं दिखाता हूँ, एक ये शर्ट है, दूसरा शर्ट भी है, खाली हो गया, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। डेरा हमने शिफ्ट किया है, डेरा खाली होने की वजह ये है कि यहाँ से हमने मूव ऑन कर लिया रावलपिंडी। ईद पे कुछ जानवर चले गए थे और कुछ जो हैं वो अभी यहाँ से जाने लगे हैं, कुछ जानवर कल भेजे हैं, तो अब जो है वो हमारा शौक जो है वो रावलपिंडी अडयाला रोड पर होगा। कुछ दोस्त आए हैं, विज़िट भी किया है, तो बाकियों को भी इंशाल्लाह इन्वाइट करेंगे, थोड़ा सा वहाँ काम हो रहा है। तो यहाँ पिंड दादन खान से 3 साल मैंने यहाँ पे शौक किया है, अब यहाँ से वाइंड अप करके रावलपिंडी गए हैं, क्योंकि फ़तेह जंगी का जो मज़ा है वो रावलपिंडी में है, यहाँ पे उस तरह का नहीं है, यहाँ पे देसी माल और इस तरह का कोई चीज़ रखेंगे। तो डेरे की लोकेशन, नई डेरे की लोकेशन इंशाल्लाह मैं रावलपिंडी पहुँच के सब भाइयों से शेयर करूँगा। आप जो मेरा ग्रुप है व्हाट्सएप का, उस पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं, कोई भाई जानवर देखने आ सकता है, शौक करना चाहता है तो भाई ज़रूर आए। वहाँ पे पलाई का भी काम हो रहा है, यहाँ पे भी हो रहा था, वहाँ पे भी हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई जानवर, कोई दोस्त हैं जो जानवर पलवाना चाहते हैं, वो भी वहाँ पलवा सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं, वहाँ का माहौल देख सकते हैं। तो अभी बस यहाँ से जानवर शिफ्ट करेंगे, कुछ सेल वाले जानवर हैं, 2025 कलेक्शन है, एक दो बीच में 26 पे भी जाएँगे, वो भी अभी मैं आपको वीडियो में दिखाता हूँ, उनमें कोई इंटरेस्टेड हो बंदा मैं नंबर शो कर देता हूँ, तो वो भी वो देख सकता है, फॉर सेल कलेक्शन है। और जो नया डेरा है इंशाल्लाह उसका थोड़ा सा काम कंप्लीट हो जाए, वहाँ से भी आपको फतेह जंगी जानवरों का जो व्लॉग्स हैं इंशाल्लाह ज़बरदस्त व्लॉग्स आपको देखने को मिलेंगे, जानवरों की तैयारी के बारे में, जानवरों की रोज़ की रूटीन, इस तरह इंशाल्लाह आपको अच्छा वहाँ से जो है ना फतेह जंगी जानवरों के हवाले से अच्छा शो करने को मिलेगा। सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया हुआ, और वीडियो देखें, इसको शेयर करें, कमेंट करें, अपनी राय दें, तो आपके जो है वो ताउन का बहुत शुक्रिया। आपको मैं जानवर दिखाता हूँ, फॉर सेल जानवर हैं, कल ये रावलपिंडी में आ जाएंगे, तो कल सुबह तकरीबन, तो आप जिसने देखना हो, कोई इंटरेस्टेड हो, वहाँ मेरे से रब्ता करके चेक कर सकते हैं। 18 जानवर मेरे पास पहले हैं, 5 अभी जा रहे हैं, तो खीरे हैं, धोंदे हैं, हर कैटेगरी का तकरीबन जानवर है। ये जानवर हैं फॉर सेल वाले, सब खीरे हैं, बिल्कुल कच्चे खीरे जानवर हैं ये, इंशाल्लाह रात को या सुबह रावलपिंडी पहुंचेंगे। 4 ये हैं, एक ये है, बिल्कुल कच्चे भाई खीरे लेने हो तो नीचे मेरा नंबर आ रहा है, मेरे से रब्ता कर सकता है। ये गांव का माहौल हो सकता है, जिधर तक आपकी देखें नज़र जाती है सब्ज़ा ही लगा हुआ है, जिस तरफ आप देखेंगे सब्ज़ा ही है, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं बंदे को शिफ्टिंग करनी पड़ती है। इंशाल्लाह यहाँ दोबारा बात करेंगे डेरा, लेकिन यहाँ पे देसी माल रखेंगे जो यहाँ की नस्ल है, तो फीमेल सेक्शन यहाँ थोड़ा सा बनाएंगे फतेह जंगी का, दूसरी देसी का, इंशाल्लाह इसको दोबारा ही बात करेंगे। आज ये बिल्कुल खाली हो जाएगा, ये जानवर चले जाएंगे। 3 साल यहाँ डेरा रखने के बाद आज डेरा दांदा शुकीना दा पिंड दादा खान वाला जो है बंद हो जाएगा। इस 3 साल में यहाँ पे मैंने कौन कौन से जानवर रखे, जानवर कैसे तैयार हुए, कैसे आए थे, वो भी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाता हूँ। 3 साल बाद आज ये डेरा ख़त्म हो रहा है, कुछ जानवर हैं अभी बस वो जा रहे हैं यहाँ से, तो मूव ऑन करने की वजह ये है कि जब जिस चीज़ किसी चीज़ का शो करना हो तो उसकी मार्केट में रह के करना चाहिए। अब जिस तरह के मैंने यहाँ पे फतेह जंगी जानवर रखे हुए थे, यहाँ गांव में उनकी वैल्यू इस तरह नहीं है, मार्केट नहीं है, तो इस वजह से मुझे रावलपिंडी जाना पड़ रहा है। रावलपिंडी भी डेरा है, वहाँ पर जानवर शिफ्ट किए हैं, ये भी उधर जाएँगे, इनका शौक उधर करेंगे, लेकिन इसको खाली नहीं रखेंगे इंशाल्लाह। कुछ टाइम तक यहाँ पे जो है वो देसी जानवर जो हैं वो ऐड ऑन करेंगे,
जो यहाँ की नस्ल है, यहाँ की कुर्बानी वाले जानवर हैं या दूध वाला काम जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। फतेह जंगी जानवर जो हैं फ़िलहाल वो रावलपिंडी में उसका शौक करेंगे, उनका मज़ा जो है वो रावलपिंडी में ही है। वीडियो में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे 3 साल में कैसे कैसा जानवर आया, कैसे कैसा जानवर हमने यहाँ पे तैयार किया, तो वो वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रूर देखें। आपको ये जो जानवर हैं ये भी मैं शौक कराऊंगा जब ये पिंडी पहुँच जाएंगे। और भी जो जानवर हैं वहाँ पे 18 जानवर हैं, तो मेरे चैनल के साथ अटैच रहें, इंशाल्लाह अच्छी वीडियोस देखने को आपको अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। जज़ाकअल्लाह, शुक्रिया।